अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शमशुद्दीन और आप सबका मेरे इस चैनल शमुसर ट्यूटोरियल्स में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। वीडियो के अंदर हम मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जोक सुनाना चाहता हूं। एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि छुट्टी के लिए क्या बहाना करूँ। सर को जाकर कह लगा कि सर कल मैं स्कूल को नहीं आता। वो सर कहने लगे क्यों, तो बच्चा कह लेगा कि सर कल मेरे दादा की शादी है। तो सर कहने लगे कि इस उम्र में तेरे दादा की शादी, तो बच्चा कहने लगा क्या करूं सर, नहीं कर ले रहे थे जबरदस्ती मैं करवा रहा हूँ। जो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट। मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 8 क्या है। एक एपी के 51 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा रुकन बिल तरतीब 14 और 18 है। तो एक एपी है और वो एपी की 51 अरकान का हासिल जमा हमें मालूम करना है और हमें दिया गया है दूसरा रुकन और तीसरा रुकन। चलो मालूम करेंगे। तो हमें दूसरा रुकन कैसा लिखना है, समझो। पहले दिया वाली को ए टू इक्वल टू 14, उसके बाद में ए थ्री इक्वल टू 18। हमें मालूम करना है यस 51 मालूम करने से पहले हमें ए और डी को मालूम करना, और इन्हीं दो ए टू और ए थ्री को लेकर हमें ए और डी मालूम करेंगे। हमें ए टू को कैसा लिखते हैं, ए टू इक्वल टू ए प्लस डी, दूसरा रुकन ऐसा लिखते हैं आम शक्ल के अंदर में बताए से। और तीसरे रुकन को कैसा लिखते हैं, ए थ्री इक्वल टू ए प्लस टू डी। टू है तो एक कम करो, थ्री है तो एक कम करो। तो अब ए टू की जगह में क्या है 14, ए टू की वैल्यू दे से ए प्लस डी, ये पहला इक्वेशन। दूसरे तीसरे के तीसरे में क्या है, अब तीसरा क्या है नहीं ए थ्री, माफ़ करना। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू डालो 18, ए प्लस टू डी, ये दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को निकालो 14 इक्वल टू ए प्लस डी, इसमें से 18 इक्वल टू ए प्लस टू डी को निकालना है। निकालने के लिए इसे माइनस करो, इसे माइनस, ये प्लस है माइनस करो। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, प्लस ये और माइनस ये कैंसिल हुआ। नफ़ी 18 में से 14 निकाले, नफ़ी 4 बचे। नफ़ी की बचे क्योंकि बड़ी अदद 18 है और उसकी अलामत नफ़ी है। नफ़ी 2 डी में से 1 डी निकाले तो नफ़ी डी बचे, नफ़ी की डी बचा क्योंकि बड़ी अदद 2 है उसकी अलामत 2 है, ये नफ़ी है। अब ये नफ़ी कैंसिल हुआ तो d इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, मसावत 1 या 2 में d की कीमत डालो। हमें मसावत 1 में डालेंगे 14 इक्वल टू a प्लस डी, 14 इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू क्या है 4। ये 4 इधर आया माइनस 14 इक्वल टू ये ए इक्वल टू, अगर 40 में से 4 माइनस करें 10। हमें हासिल हुआ डी की कीमत और ए की। अब यस 51 मालूम करना बहुत आसान होगा। यस एन इक्वल टू एन बाई टू हासिल जमा मालूम करने का जाबिता रखो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यस 51 n की जगह में क्या है 51 है तो 51 यहाँ रखो, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है या 10, ए की वैल्यू 10, n कितना है 51 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। यस 51 इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2, 2 टेंस 20। अब 51 में से 1 माइनस करें 50 है, 50 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 200। 51 डिवाइडेड बाय 2, अब 200 में 20 प्लस करें 220, और 220 को 2 से डिवाइड करो 2 11 110। 51 इंटू 110,
यस 51। अब 51 को 110 से मल्टीप्लाई करें कितना होते हैं 56 10। मल्टीप्लाई करके देखो, जरा देखो देखो 5610। यही हमें मालूम करना था। सवाल नंबर 9 में क्या है, एक एपी के 7 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। एक एपी के 7 अरकान का हासिल जमा 49 है और 17 अरकान का हासिल जमा 289 है। हमें मालूम करना है एन अरकान का हासिल जमा। अब देखो ए 7 यानी हासिल जमा मतलब एस सेवन इक्वल टू 49 है। उसके बाद में S17 इक्वल टू 289 है। हमें मालूम करना है एन अरकान का हासिल जमा मालूम, एन अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। तो एन अरकान का हासिल जमा मालूम करने से पहले हमें ए और डी की ज़रूरत है। तो इसमें देखो SN का जाबिता लगाओ, एन बाय टू अब S7 इक्वल टू एन बाय टू सॉरी एन की जगह में 7 डालो। ए मालूम करना है एन के जगह में 7-1 इंटू डी भी मालूम करना है। अब 7/2 2a प्लस 6d या 7 कितना है 49 है। अब यह कसर इधर आई तो 7/2 इधर आई तो 2/7 होते 49 इंटू 2/7 इक्वल टू 2a प्लस 6d 7 × 7 7 × 7 = 49। अब इसे से मल्टीप्लाई करो 7 × 2 = 14 इक्वल टू 2a + 6d। ये है पहली इक्वेशन। उसी तरह फिर S17 SN इक्वल टू SN का जवाब चला N/2 S17 इक्वल टू N कितना है 17 है / 2 ए मालूम करना है N 17 है -1 × d भी मालूम करना है। अब देखो 17/2 S17 कितना है 289 है 2a + 17 में से अगर 1 लेस करें 16d। अब ये कसर इधर है तो 17/2 जाको 2/17 होते। यहाँ रहा 2a + 16d। अब 17 × 17 = 289। अब इसे से मल्टीप्लाई करो 7 × 2 = 17 = 34 2a + 16d। ये है दूसरी इक्वेशन। अब क्या करें, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को निकालें। पहली इक्वेशन क्या है 14 = 2a + 6d और दूसरी इक्वेशन, भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, 2a + 16d। अब ये इसके अलामतें बदलना, प्लस है माइनस करो। अब -34 में से 14 लेस करें -20। अब ये +2a - 2a कैंसिल हुआ, -16d में से 6 निकाले -10d। अब d इक्वल टू ये -10 इधर आया तो -10 इसके साथ डिवाइड होते, ये माइनस कैंसिल हुआ 10 × 10 = 20। d इक्वल टू आया 2। 14 = 2a + 6d। पहली इक्वेशन में d की वैल्यू डालो, 6 × d की वैल्यू कितनी है या 2। 14 = 2a + 6 × 2 = 12। अब देखो ये 12 इधर आया,
तो माइनस ट्वेल्व इक्वल टू टू ए, टू ए इक्वल टू, अब फोर्टीन में से ट्वेल्व निकाली कितने बचे टू, और ये टू इसके साथ डिवाइड होगा, ए इक्वल टू टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू एक बचा, तो ए की कीमत है एक। चलो अब यन अरकन का हासिली जमा मालूम करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब एन अरकन का हासिली जमा मालूम करना, तो एन की कीमत एन हुई, एस एन इक्वल टू एन की कीमत एन बाई टू, ए की कीमत कितनी है वन, एन की कीमत एन माइनस वन इन टू डी की टू है, एन बाई टू टू वन जा टू प्लस, अब टू से इसे मल्टीप्लाई करो, टू एन माइनस टू वन जा टू, अब प्लस टू माइनस टू कैंसिल हुआ, एन बाई टू बचा टू एन, अब ए टू कैंसिल हुआ रहा एन इन टू एन, अब एन को एन से मल्टीप्लाई करे तो एन स्क्वायर, एन की कुवत दो, ये छः एन अरकन का हासिल जमा एन स्क्वायर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।